सुल्तानगढ़ सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में त्रिवेणी देवी धानुका आदर्श विद्या मंदिर का लोकार्पण मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। त्रिवेणी देवी धानुका जन्म शताब्दी समारोह के आयोजनकर्ता राम गोपाल अग्रवाल ने बताया कि विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में बच्चों को सांस्कारिक और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीयता की दीक्षा दी जाएगी। जहाँ पर उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि होंगे, जिनके स्वागत के लिए उनके आगमन को लेकर विद्या भारती से जुड़े सभी संस्थान तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुजानगढ़ से मनीष फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहाँ एक दिवसीय दौरा है, इस दौरान क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? जी, मैं आपको बताऊं, ये जो आदर्श विद्या मंदिर है, जो कि धानुका ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है गुड़गांव की, उन्होंने ये आदर्श विद्या मंदिर बना के यहाँ पे आदर्श विद्या मंदिर जो की विद्या भारती द्वारा संचालित होती है और एक तरह से एक शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। रतनगढ़ में भी उन्होंने तीन स्कूल विद्या भारती को दी है बना के। उनका यही मानना है कि ये जो संस्कार जो शिक्षा का देते हैं भारतीय, तो शिक्षा दी जाती है वो आदर्श विद्या भारती द्वारा दी जाती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति है, वो आज लोकार्पण करेंगे इस स्कूल का और एक भव्य आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन यहाँ सालासर धाम में बालाजी की जो पवित्र भूमि है उसके होने जा रहा है, उसी को लेके काफी तैयारियां भी चली है। रात्रि को भजन संध्या का अनुराधा पौडवाल व कविता पौडवाल ने यहाँ पे भजन संध्या का भी आयोजन किया था और साथ ही पूरे जयपुर और प्रांत के और सीकर चूरू और आदर्श विद्या भारती के और जो आरएसएस के जो पदाधिकारी है और दो मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी, कृषि मंत्री भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और काफी बड़ा आयोजन यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। जिस स्फूर्ति जी मनीष, इसी के साथ में रामनाथ कोविंद कब तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे और क्या कुछ माकूल व्यवस्था उनके लिए यहाँ की गई है? रामनाथ कोविंद का लगभग यहाँ पे 10-10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। 9:15 बजे वे सीकर हेलीपैड पे उतरेंगे, उसके बाद बाई रोड यहाँ से सीकर से सालासर के लिए आएंगे। लगभग आधे पौन घंटे का यहाँ से रास्ता है और रामनाथ कोविंद सबसे पहले यहाँ सालासर जो बालाजी का मंदिर है जी, वहाँ जाके दर्शन करेंगे। और मैं एक खास बात बताऊं आपको, इससे पूर्व जब वो युवा मोर्चा में थे, युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे, उस टाइम सालासर और सुजानगढ़ भी यहाँ आके गए थे, तो इसलिए भाजपा के जो नेता है उनसे भी उनके अच्छे ताल्लुकात है यहाँ के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सालासर दौरा, जन्म शताब्दी समारोह में करेंगे शिरकत।